Hello and a huge welcome to my YouTube channel. I am Bharti. In today's video, we'll learn the difference between housewife and homemaker. Housewife को हिंदी में बोलते हैं गृहिणी. गृहिणी वो लेडी होती है जो घर पे रहती है और घर के कामकाज देखती है, सारे घर के काम करती है और उसका पति बाहर जाके फैमिली इनकम अर्न करता है. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लेडी झाड़ू पोछा लगा रही है, खाना बना रही है, शॉपिंग कर रही है, ग्रोसरीज खरीद रही है, बच्चों को पढ़ाती भी है, बच्चों को संभालती भी है, कपड़े धो रही है, प्रेस कर रही है, लैपटॉप पे भी थोड़ा बहुत अपना कुछ काम करती है. अब हम देखते हैं गृहिणियों की कभी छुट्टी नहीं होती, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. गृहिणियों की कभी छुट्टी नहीं होती, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउस वाइव्स नेवर हैव अ डे ऑफ. गृहिणियों की कभी छुट्टी नहीं होती, हाउस वाइफ्स नेवर हैव अ डे ऑफ. छुट्टी मतलब डे ऑफ, इंग्लिश में हम डे ऑफ बोलेंगे छुट्टी को. और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा है, होम मेकर. तो ये मैंने क्यों लिखा है, आज हम हाउस वाइफ और होम मेकर में डिफरेंस भी देखेंगे क्या होता है. आजकल हाउस वाइफ्स की जगह होम मेकर्स वर्ड ज़्यादा यूज होता है, वो भी हम देखेंगे वो क्यों यूज होता है. गृहिणियों की कभी छुट्टी नहीं होती, इसको हम इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं, होम मेकर्स नेवर हैव अ डे ऑफ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. हाउसवाइफ, अब मैं बताती हूँ हाउसवाइफ कौन होती है. अ मैरिड वुमेन हुज मेन ऑक्यूपेशन इज केयरिंग फॉर हर फैमिली. जो लेडी जिसका मेन काम होता है अपनी फैमिली की देखभाल करना, मैनेजिंग हाउस होल्ड अफेयर्स एंड डूइंग हाउस वर्क वाइल हर हस्बैंड और पार्टनर गोज आउट टू वर्क. उसका पति या फिर उसका पार्टनर जिसके साथ भी वो रहती है, वो काम पे जाता है और वो घर के काम काज संभालती है, तो वो लेडी को हम बोलते हैं हाउस वाइफ. और अब मैं आपको बताती हूँ हाउस हस्बैंड कौन होता है. हाउस हस्बैंड, अ मैन हु लिव्स विद अ पार्टनर. एक आदमी जो अपने पार्टनर के साथ या वाइफ के साथ रहता है एंड कैरीज आउट हाउस होल्ड ड्यूटीज, उसको हम हाउस हस्बैंड कहते हैं. द मेल इक्विवेलेंट ऑफ अ हाउस वाइफ. अगर कोई लेडी है तो हम उसको हाउस वाइफ बोलेंगे जो घर पे रहती है, घर संभालती है. लेकिन अगर कोई आदमी है जिसकी बीवी अर्न करके लाती है या उसका पार्टनर अर्न करके लाता है, तो उस आदमी को हम हाउस हस्बैंड बोलेंगे. द मेल इक्विवेलेंट ऑफ अ हाउस वाइफ इज नोन एज हाउस हस्बैंड. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लेडी ऑफिस का काम कर रही है, वर्क करके फैमिली इनकम अर्न कर रही है, वाइल हर हस्बैंड इज वर्किंग इन द किचन. वो घर में काम कर रहा है, सब्जी काट रहा है, खाना बना रहा है, बच्चों को देख रहा है. तो दिस मैन इज अ हाउस हस्बैंड. ठीक है, अ हस्बैंड हु मैनेजेस द हाउस वाइल हिज वाइफ अर्न्स द फैमिली इनकम, जो मैंने अभी आपको बताया. अभी तो हमने देखा हाउस वाइफ कौन होती है एंड हाउस हस्बैंड कौन होता है. अब हम देखते हैं होम मेकर कौन होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. होम मेकर इज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म. होम मेकर होता है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द होम मेकिंग हु इज नॉट एम्प्लॉयड आउटसाइड द होम. होम मेकर होता है जो घर में रहता है, बाहर की कोई इनकम अर्न नहीं करता. जो काम हाउस वाइफ करती है या हाउस हस्बैंड करता है, वही काम होम मेकर करता है. पर होम मेकर जेंडर न्यूट्रल टर्म है. होम मेकर आप मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, होम मेकर आप फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और जेंडर के पर्सन के लिए भी आप होम मेकर टर्म का यूज कर सकते हैं. जो भी हस्बैंड या वाइफ घर में रहता है और घर को संभालता है, बच्चों को संभालता है, घर के काम करता है, उसको हम होम मेकर बोलते हैं. तो ये जेंडर न्यूट्रल टर्म है. हाउस वाइफ फीमेल होती है, हाउस हस्बैंड मेल होता है, होम मेकर कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, या किसी और जेंडर का पर्सन भी हो सकता है. तो ये बाहर से इनकम नहीं कमाता होम मेकर, हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड. ये घर का ही कामकाज देखते हैं, घरेलू काम करते हैं. इनका पार्टनर मनी अर्न करके लाता है फैमिली चलाने के लिए. होम मेकर इज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म फॉर अ हाउस वाइफ और अ हाउस हस्बैंड. इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ हाउस वाइफ कैरिंग आउट ऑल द हाउस होल्ड चोर्स.
अगर आपको ये सारे हाउस होल्ड चोर्स की इंग्लिश जान नहीं है, आपको ये जानना है इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये सारे काम करने को, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक वीडियो मैंने हाउस होल्ड चोर्स पे भी बनाई हुई है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश विद भारती फॉर अ स्पोकन इंग्लिश क्लास एक्सपीरियंस। गुड बाय।